हरदोई के जिला अधिकारी पुलकित खरे ने क्वारंटाइन सेंटर के विषय में दी जानकारी। डीएम बोले, 52 शहर के बड़े प्रतिष्ठान और इंटर कॉलेज। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि शहर में 108 प्राइमरी विद्यालयों को भी बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, और वहां पर रखे जा रहे हैं बाहर से आए हुए लोग, और दिया जा रहा है उनको खाने पीने का सामान और वस्तुएं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर पर आइसोलेट करने के लिए रखे जा रहे हैं लोग, लोगों से की अपील की जिम्मेदारी निभाएं। जिले में 52 सेंटर बड़े संस्थानों के क्वारंटाइन के रूप में चलाए गए हैं। ये होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, बड़े इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस हैं। इसको छोड़ के 108 प्राइमरी स्कूलों के भी सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे कैंपस बड़ा है जिसमें प्राइमरी उच्च प्राइमरी दोनों हैं। मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन के बाद कोई व्यक्ति जनपद में आया है तो उसको इन क्वारंटाइन सेंटर्स में रख के आइसोलेट करा जाए, 14 दिन की अवधि वो यहीं पे बिताए। इन क्वारंटाइन सेंटर में चिकित्सक नियुक्त करे गए हैं जो दिन में एक बार जाके सभी व्यक्तियों की जाँच करेंगे कि किसी व्यक्ति में सिम्टम तो नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था करी गई है, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए सफाईकर्मी संबद्ध करे गए हैं और पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। लेकिन सबसे सहयोग की इसमें अपेक्षा है, और खासकर ग्राम प्रधानों से, ग्रामवासियों से ये अनुरोध है मेरा कि अगर इस तरह के व्यक्ति हों तो उनके अपने निकटतम क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, अपने SDM, पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष, इनसे संपर्क में बने रहें, किसी भी चीज़ में जानकारी के अभाव में कोई गलत काम ना करें हैं। प्रशासन लगातार 24/7 अपना कंट्रोल रूम चला रहा है और पूरी तरह से तत्पर है कि हम इस महामारी को सही स्तर पर रोक सकें। सर, ग्रामीण